मुसलमान ही नहीं मानती। या मुसलमान नहीं मानती। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी समझती हूँ और इसके लाहौरी या कादियानी ग्रुप से तल्लक रखने वाले पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझती हूँ। ये नवा खाना है आपका निकाह कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें। क्या ये आपकी राय है, आपका फैसला है, आपका अकीदा है? क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाला हमारा भाई हो सकता है? अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इनको वोट देकर कल अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत किस मुँह से मांगे? अंदर जब वाज़ेह लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो इसको उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह के अल्फाज हैं। अगर ये नहीं मानते तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। और जब कुरान जो एक चीज़ कह देती है वाज़ेह तौर पर कि आखिरी नबी कौन थे, तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है कि अगर आप ये कहें कि जी कोई और उसके बाद नबी है और आप अपने आप को मुसलमान कहें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। इसमें मैं सुन।